नमस्कार दोस्तों, सभी का चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर। ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर बिजनेस बेसिकली क्या होता है? तो हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गौरव शर्मा जी हैं, तो आज व्यूअर्स को बताएंगे कि सर क्या होता है ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर बिजनेस और किस तरीके से, किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो गौरव जी, धन्यवाद। प्लीज बताइए। तो देखिए, ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग का बिजनेस कोई खास ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी बहुत ही बड़ा शगुफा है। जो फिटनेस नॉर्मली जो जिम वगैरह चलती थी वो कोविड टाइम्स में अब सब कुछ बंद है, तो नॉर्मली बहुत कम खुल रही हैं तो लॉकडाउन लग जाते हैं, कुछ भी दिक्कत आ जाती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी कोई मार्केट क्लोज है, कभी कुछ है। तो उसको देखते हुए ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब जैसे कल्ट फिटनेस एप्स हैं और बाकी सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन सबको प्रोवाइड करती हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन फिटनेस का बिजनेस है। बस ये है कि ये मान लीजिए ऑनलाइन फिटनेस बिजनेस में थोड़ी सी चेंजेस कर दी है, जैसे कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। चाहे आप अपनी फिटनेस ऐप लॉन्च कर दो, चाहे आप अपना ऑनलाइन फिटनेस स्टूडियो शुरू कर दो। अगर आप अपना ऑनलाइन फिटनेस स्टूडियो शुरू करते हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि एज ए ट्रेनर आप उसमें अपने सेशंस वगैरह रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो, और रिकॉर्डिंग के बाद अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो उसको एडिट करके भी सही कर सकते हो। उसके अलावा आप अपनी फिटनेस ऐप लॉन्च कर सकते हो। फिटनेस ऐप लॉन्च करने के बाद आप उसमें कई सारी चीजें कर सकते हो, चाहे आप वेट लॉस हो, वेट गेन हो, मसल गेन हो, ठीक है, कुछ भी तरीके की। इवन आजकल तो ऐप्स आ चुकी हैं जो कि डाइट वगैरह के बारे में भी बताती हैं, डाइट शेड्यूल करती हैं। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, चाहे आपका वर्कआउट प्लानिंग हो गई, चाहे आपके फिटनेस प्रोडक्ट्स हो गए। इवन कई लोग तो क्या करते हैं, जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं वो ऑनलाइन इतने इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं अपने कंटेंट को डाल डाल के, क्योंकि प्रॉब्लम से भी कंटेंट बनाते हैं। जैसे सपोज कोई वेट लॉस करना चाहता है जल्दी से या किसी विद इन पीरियड में, तो वो कर सकता है। जैसे फिटर नाम की ऐप है, ठीक है, कल्ट फिटनेस है, कई सारी ऐप्स हैं जिसका यूज करके आप कर सकते हैं। तो अगर कोई ट्रेनर फिटनेस ट्रेनर कोई ऐसा बन गया जो इन्फ्लुएंसर है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मतलब अपने प्रोडक्ट्स भी सेल आउट कर सकता है, या किसी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रोग्राम को लेके उसको सेल आउट कर सकता है। तो गौरव जी, इस बिजनेस को कौन कौन लोग कर सकते हैं, बेसिकली किस तरीके के लोग कर सकते हैं, और कितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का रहता है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, इस बिजनेस को कोई भी फिटनेस ट्रेनर कर सकता है, बशर्ते उसके पास थोड़ी सी नॉलेज और टेक्निकल्स की, और वो अपने आप को कैमरा से भी रखे, मतलब कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा हिचक ना रखे, अपने आप को मतलब एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे प्रेजेंट करना शो करे। और 99% फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, तो उनको कैमरे के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी, चाहे योगा इंस्ट्रक्टर है, चाहे फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, चाहे जिम गोइंग पर्सन है, अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है फिटनेस का, तो वो उसको कर सकता है, बशर्ते उसके पास एक बिजनेस प्लान हो और उसको नॉर्मली ज्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो कई और तरीके से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। कई लोग तो टेलीग्राम ग्रुप बना के आजकल डाइट प्रोग्राम्स दे रहे हैं या कुछ और चीज दे रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल दे देते हैं। इवन वर्कआउट प्रोग्राम्स भी आजकल टेलीग्राम पे ही चल रहे हैं, कई लोग तो बिल्कुल मतलब सस्ते में ही काम चला रहे हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हो। तो एक तरीके से ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री को बूस्टअप करने का तरीका है ये कि हाँ जी, आप अपना जितना भी फिटनेस का बिजनेस है उसको ऑनलाइन ले जा रहे हैं। तो सर, इसमें क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरीके से हम अपने इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? मतलब अगर कोई न्यूली बंदा जो है, जो एक जिम में आज ट्रेनर है, अगर वो आज अपना काम शुरू करना, नया काम शुरू करना चाहता है, तो वो किस तरीके से इसको बढ़ा सकता है बेसिकली? देखिए, और कैसे वो शुरू कर सकता है? जब से कोरोना शुरू हुआ तब से अब तक 46% का इंक्रीज है डाउनलोड्स में हेल्थ और फिटनेस की एप्स को लेके। इवन 94,000 बिलियन की मार्केट बन चुकी है ये, जो कभी 44,000 की थी। तो आप देख सकते हैं, कोरोना आने के बाद हर कोई घर पे ही बैठा हुआ है लॉकडाउन में, और उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए ये बहुत ही अच्छी तरीके की चीज है कि हाँ जी, इसको कोई भी बंदा कर सकता है आसानी से। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हाई है, रीजन फॉर बीइंग, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड है। और आजकल जो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ जी, इम्यूनिटी चाहिए, वो एक्सरसाइज के थ्रू ही आती है, तो रामबाण मिल गया फिटनेस ट्रेनर्स को तो इस टाइम पे कि हाँ जी, हमारा एक जो फिटनेस ट्रेनिंग का जो बिजनेस है वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर कोई करना चाहता है तो उसको 3-4 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि अपनी टारगेट
टारगेट मार्केट डिसाइड करें कि हाँ जी किस एज ग्रुप के लोगों को वो अपनी एक्सरसाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल देना चाहता है। सबसे ज्यादा तो देखिए फीमेल जो है, जो हाउसवाइफ वगैरह होती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका है, और उनको अगर आप टारगेट ऑडियंस बना के अपना क्लाइंट बनाते हैं तो उसमें ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि वो लोग बहुत कम टाइम दे पाते हैं अपनी फिटनेस पे और बाकी सारी चीजों पे, और उसके थ्रू काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। उसके अलावा आपका बिजनेस प्लान आउटलाइन होना चाहिए कि हाँ जी आपकी जो डिटेल्स है बिजनेस की वो क्लियर होने चाहिए। आप मार्केटिंग प्लान बहुत मतलब अच्छा हमें पता होना चाहिए कि हमें किसको क्या सेल करना है, बेसिकली हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है और किस एज ग्रुप के लोगों को हम बेसिकली टारगेट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, मुझे साथ में जी गौरव जी मुझे ये जानना था, जैसे कोई न्यूली अपना स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या क्या लाइसेंस और क्या क्या रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल हर बिजनेस शुरू करने से पहले कोई ना कोई किसी ना किसी से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अथॉरिटी से लेना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या क्या लाइसेंस लेकर अपना ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं और ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक लाइसेंस की जरूरत होगी। जैसे कि आप अपनी ओपीसी कंपनी बना सकते हैं, 1% कंपनी, सिंगल पर्सन से बन जाती है, एक नॉमिनी चाहिए होता है इसमें, ठीक है। आप एलएलपी भी बना सकते हैं अगर आप दो लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, सस्ते में बढ़िया तरीके का अगर गठजोड़ बताऊं तो ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन है जिसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होकर आप अपनी ऐप भी लॉन्च कर सकते हो इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। इसके अलावा आपको ट्रेडमार्क लेना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप अपना लोगो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते तो आपको ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ेगी। आप ISO सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो वो भी बेस्ट है। और इसके अलावा अगर मैं बोलूं GST तो मस्त है, क्योंकि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करोगे वो ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन पे GST लेना जरूरी है। अब GST कई लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हाँ जी क्या हमें GST भरना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, आपको 18% एडिशनल लेना है GST, उसको भरना पड़ेगा। आपके लिए कोई ज्यादा कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बिजनेस है, अगर मैं बताऊं जो कल्ट फिटनेस ऐप है उसके सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल 400-500 रुपए से तो इजीली स्टार्ट होते हैं, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। स्टार्ट होते हैं अगर 500 रुपए आप एक बंदे से ले रहे हैं और आपके पास कोई 10 लाख बंदा है तो आप सोच सकते हैं कितने पैसे मंथली आ रहे होंगे, कितनी सारी चीजें हो रही होंगी। और आप अगर चाहें तो इसमें बहुत सारी चीजें शुरू कर सकते हो, जुम्बा शुरू कर सकते हो, ठीक है, आप डांस, एरोबिक्स हो गई, हाँ एरोबिक्स हो गई, डांसिंग हो गई, ठीक है, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग्स हो गई, अगर आप किसी को फिटनेस से रिलेटेड है मसल ट्रेनिंग हो गई, किसी को डाइट प्लान्स देने हैं, और किसी कई तरीके के डाइट प्लान्स होते हैं आजकल, तो कीटो डाइट हो गई, ठीक है, और भी बहुत बहुत तरीके की डाइट है। तो अगर मैं बोलूं सिंपल वर्ड्स में तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप ऑनलाइन हो जाओगे तो आपका टाइम भी बचेगा। अब आपने शुरू कैसे करना है, देखिए आपने एक नीश फाइंड आउट करनी है जिसपे आपने फिटनेस ट्रेनिंग देनी है। उसके अलावा कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप अपनी क्लासेस दे सकते हो। स्पाई नाम की एक ऐप है जिसपे आप अपना बना के अपना सारी चीजें कर सकते हो। आप उसमें टेम्पलेट बना लें, 3 और 4 ट्रेनिंग फेजेस बना के उस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है कि बाकी मार्केट में क्या ले रहे हैं और किस तरीके से आपने देनी है। बस एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हाँ जी आपकी स्पेसिफिक मार्केट होनी चाहिए, मतलब वेट लॉस है तो वेट लॉस हो, वेट गेन है तो वेट गेन हो, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो जो कस्टमर है वो भी थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ जी ये वेट गेन भी करा रहा है, वेट लॉस भी करा रहा है, क्या ये हमें सही तरीके से कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि अगर आप लॉन्च कर रहे हो अपनी ऐप तो इंस्टॉल नहीं हुई ज्यादा लोगों के पास तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐप के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ऐप भी नहीं कर सकते तो आप टेलीग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं। कोशिश करें रेफरल्स और टेस्टिमोनियल्स कमाने की, तभी आपका ये बिजनेस थोड़ा स्ट्रांगली अच्छी तरीके से काम करेगा। तो मेनली अगर आप ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपके पास अगर सर्टिफिकेशन है तो ज्यादा बेस्ट है, तो लाइसेंस और सर्टिफिकेशन जरूर लें। ओके, अच्छा गौरव जी, कौन कौन से सेक्टर्स ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किस किस सेक्टर में ये बिजनेस को हम इलैबोरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? देखिए मैंने जो एक्सपेंड कर सकते हैं बेसिकली, हाँ जी, जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि आजकल कॉर्पोरेट जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें भी फिटनेस ट्रेनर्स आते हैं और फिटनेस ट्रेनिंग कराते हैं। तो फिटनेस ट्रेनिंग तो आजकल चाहे बड़े इंस्टीट्यूशन हो जिसमें, जैसे सपोज कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग है उसमें कोई, मतलब मान के चलिए कोई 12-13 ऑफिस है, हर 13 ऑफिस में एक जिम होती है, जिम में फिटनेस ट्रेनर आता है, और इवन कॉर्पोरेट्स को भी ट्रेनिंग देने लग गया है, तो कॉर्पोरेट्स को भी इम्प्लॉइज को भी ट्रेनिंग पे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन करते हो कॉर्पोरेट्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा ये CFOs हो गए, CEOs हो गए, अगर आप इनको पर्सनली पकड़ लोगे पर सेशन ही आपको कम से कम 5-6 हज़ार रुपये पर सेशन दे देते हैं अगर आप इनकी मदद करोगे वेट लॉस में या इनको, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आपको
बिजनेस करने में ज्यादा मदद देती है। जब आप फिट होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका स्टेमिना, आपका परफॉर्मेंस, सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हाँ जी आपने नीश क्लाइंट पकड़ने हैं। तो गौरव जी मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई भी अगर इंडिविजुअल अगर अपना जिम भी पूरा प्रॉपरली सेटअप करना चाहता है, फिजिकली सेटअप, ये तो ऑनलाइन की बात हमने कर ली सारी सारी, अब कोविड खुल रहा है, सब पूरा इंडिया खुल रहा है, हर जगह ग्लोबली सब चीजें खुल रही है धीरे धीरे, तो किसी को अगर अपना प्रॉपरली जिम सेटअप करना हो तो उसमें वो किस तरीके से अपना जिम को सेटअप करने के लिए क्या स्टार्टिंग करे, क्या उसका एक्शन प्लान रहना चाहिए बेसिकली? देखिए आज के टाइम पे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स होने लगी है, रीजन फॉर बीइंग जिम्स क्लोज्ड है, तो वो इक्विपमेंट्स तो आप यूज नहीं कर सकते, और वो इक्विपमेंट हर कोई यूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है कोविड अगर इन्फेक्टेड कोई बंदा होगा या जिम में कोई कोविड इन्फेक्शन होगा तो वो आप तक पहुंच जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना एक कस्टमाइज जिम बनवा लें। अगर आप कस्टमाइज जिम बनवा सकते हैं या फिटनेस ट्रेनर्स हैं जिनको जिम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कई जगह जान पहचान है जिसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी कस्टमाइज जिम या आपके इक्विपमेंट सेटअप के लिए। क्योंकि कई बार ऑनलाइन भी अगर आप शुरू करोगे तो आपको जैसे फिटनेस बैंड हो गए, फिटनेस वेट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको कोई भी कस्टमाइज जिम इक्विपमेंट चाहिए या कोई भी कस्टमाइज जिम सेटअप बनवाना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ केस स्टडी इसके लिए है अपने पास कि जिससे व्यूअर्स और अच्छे समझ पाए केस स्टडी में क्या किसने किस तरीके से अपना बिजनेस को बढ़ाया जिससे थोड़ा और उनका व्यू इस बिजनेस के लिए अच्छा खुल पाए, समझ पाए चीजों को, तो आप थोड़ा कोई केस स्टडी डिस्कस कीजिए हमारे साथ। हाँ जी हाँ जी, देखिए इंस्टा पेज नाम की एक वेबसाइट है जो बनाई हुई है, ठीक है, इसे कई लोगों ने मिलकर बनाया था और इसमें जो फाउंडर है उन्होंने कोविड को देखते हुए ही इस चीज को पकड़ा था। जो इंस्टा फिट है वो एक तरीके से फिटनेस टेक ऐप है या स्टार्टअप बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, ये शुरू किया था, ठीक है, और कई और भी एप्स हैं जैसे कि जिम पिक हो गया, ठीक है, कल्ट फिटनेस हो गया, इन्होंने काफी अच्छी मार्केट कैप्चर करी है अगर कोविड टाइम पे देखा जाए, चाहे वो ऑन प्रीमिसेस क्लासेस हो, ऑनलाइन हो, ठीक है, सारी चीजों को मिक्स करके इन्होंने बनाया। तो मैं आपको पूरा एक ट्यूटोरियल दे दूंगा कि हाँ जी जैसे सौरभ त्यागी जी हैं उन्होंने इंस्टा फिटनेस ऐप बनाई, फिटनेस ट्रैकर है वो, वेट लॉस ट्रेनिंग है, सारी चीजें उसमें एक तरीके से इवोल्यूशन दिया है कि हाँ जी टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से आप ऐप बेस्ड पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग दे सकते हैं, होम सेशन है, ऑनलाइन डाइट कंसल्टेंसी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। इसके अलावा स्टेप सेट गो करके एक ऐप है वो भी है, तो शिवजी जी ने बनाया वो, तो काफी सारी चीजें आप कर सकते हो आज के टाइम पे अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं और ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हो। मौकों की कमी नहीं है, बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और तो देखिए जी ये है इंस्टा फिटनेस जो बनाई है, मैंने आपको बताया था अभी आपको, तो इंस्टा फिटनेस एक तरीके से ऐप बनाई हुई है फिटनेस ट्रेनिंग के लिए और काफी सारी चीजें इसमें दी हुई है, तो कोई भी बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है। तो अगर आप इस चीज में है कि हाँ जी आप फिटनेस ट्रेनर ऑनलाइन बिजनेस में है और आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसको ध्यान से देखें। ये देखिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, क्या सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, इंस्टा फिटनेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताया हुआ है, कितनी अच्छी तरीके से मेहनत करी है इन्होंने। और ये देखिए उनके लेटेस्ट पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट भी आते रहते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू डाइट हो, चाहे वो अदर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज से हो, या आपकी वेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी से हो, तो इन्होंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं, चाहे उनकी अबाउट अस स्टोरी हो, ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके से शुरू किया, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज वो देते हैं, उनकी क्या मेंबरशिप है, ठीक है, रेसिपीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, ये देखिए रेसिपीज के बारे में इन्होंने सारी जानकारी दी। तो आप भी ऐसे ही स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, चाहे वो कीटो डाइट हो, ठीक है, बाकी सारी डाइट हो, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, तो आप ऐप पे भी क्लिक कर सकते हो, ऐप पे भी जाके इनका खरीद सकते हो, ले सकते हो, तो प्रोग्राम के हिसाब से फिर ये अर्न करते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए किस तरीके से लोग अपना दिमाग लगा के अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं। ये देखिए जिम पिक करके एक है जो मैंने आपको बताया था, ये एक तरीके से आपका फिटनेस लोकेशन ट्राई करके आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे, आपको देखो जिम्स की पूरी डिटेल्स दी हुई है कि हाँ जी अगर कोई खरीदना चाहता है तो पूरे जिम के सेटअप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आप पर्सनल ट्रेनर हायर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई डिटेल डालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें लोगों ने मेहनत करके अपने आप को बनाया है इस काबिल का। हाँ जी ये एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि जिम जस्ट डायल के तरीके से काम कर रही है ये,
ठीक है, फिटनेस ब्लॉग्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये देखिए हेल्दी फाई मी करके एक वेबसाइट है जिस पर आप ऐप भी है जिस पर आप अपना डाइट वगैरह के बारे में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मंथली। तो अब सब कुछ चेंज हो चुका है, अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि हाँ जी फिजिकल सिस्टम में कोई जाए फिजिकल सिस्टम को कोई देखे। तो हेल्दी फाई मी को देख लो आप किस तरीके से मेहनत करके इस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है स्टार्टअप। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो बशर्ते आप उतना दिमाग यूज़ करो। उसके अलावा इंस्टा फिटनेस के अलावा मैंने स्टेप सेट गो के बारे में बात करी हुई है। तो स्टेप सेट गो आप देखिए रिगार्डिंग एक तरीके से ऐप है, दोनों को मिल जाती है, ये पार्टनर भी दस कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कितनी सारी ऐप्स मैंने आपको बताई, इंस्टा फिटनेस, स्टेप सेट गो, ठीक है, हेल्दी फाई मी, ठीक है, उसके अलावा जिम पिक, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लाइसेंस की, चाहे वो मार्केटिंग की, चाहे वो बिजनेस प्लानिंग की, चाहे वो जिम इक्विपमेंट्स की, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं हमसे। तो जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया हमारे व्यूअर्स को। मैं व्यूअर्स से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आपको अगर इशू आता है तो दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन मिले। कोई बात करने किसी को पैसा नहीं लगता है, तो जितना आप समझेंगे ऐसे लोगों से, प्रोफेशनल से जुड़ेंगे, बात करेंगे, उतना ही आपको बिजनेस करने का एक तरीका और एक एक्शन प्लान समझ आएगा। तो थैंक यू गौरव जी आज की वीडियो के लिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।